अजीत वैब टीवी देख रहे दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हरमनप्रीत सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड तो इस टाइम की वड्डी खबर जी न्यूजीलैंड तो सामने आ रही है वह है कि न्यूजीलैंड जिवें आपां पहलां तुहानूं दस्सिया सी कि करोना मुक्त हो चुका सी पर दुबारा न्यूजीलैंड दे विच करोना ने दस्तक दी है तो इस टाइम न्यूजीलैंड दे विच चार नवे करोना पीड़ित आ जिहड़े वह पाए गए हैं जिस तों बाद न्यूजीलैंड नूं मुड़ तों तालाबंदी के दौर विच पा दिता गया। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने दुबारा देश नूं संबोधन करदिआं एक बार फिर जिहड़े देश विच करोना दे पीड़ितां दी गिणती है उहदा अंकड़ा दित्ता ते उहदे मुताबिक अज नवे 13 केस होर आ जाण तों बाद न्यूजीलैंड दे विच इस टाइम टोटल जिहड़े गिणती है उहनां दा अंकड़ा 36 पहुँच गया। तो 36 दे विच मैं तुहानूं इह वी दसदा जावां कि बहुत सारे मरीज़ जां करोना पीड़ित उह ने जिहड़े विदेशां तों न्यूजीलैंड विच पहुँचे सी ते उह पहलां ही वख-वख होटलां विच ने आइसोलेट जिन्हां नूं कीता होया पर जिहड़े नवें कम्यूनिटी ट्रांसमिशन दे केस है उह अज 13 नवें केस आण तों बाद ते टोटल करोना पीड़ितां दा अंकड़ा है जिहड़ा वह 36 हो गया। पर ट्रांसमिशन जिहड़ी कम्यूनिटी ट्रांसमिशन देश विच हो रही है उहनूं रोकण लई सरकार वल्लों वड्डे पद्धर ते जिहड़े जांच पड़ताल आ कीती जा रही है ते जिहड़े लोकां विच लोकां नूं मुड़ जागरूक कीता जा रहा पुलिस वल्लों नाकाबंदी करके ऑकलैंड तों बाहर निकल तों रोकिया जा रहा ते इह हदायतां दित्तियां जा रही कि जे किसी नूं थोड़ा जिहा भी कोई शक लगता है तो वह अपना टैसट जरूर कराओ। ते इस टाइम जे आपां सब तों पहलां गल करिए देश की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने मंगलवार रात 9 बजे एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने दसिया कि कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के केस है जिहड़े कंट्री विच द्वारा तो पाए जा रहे हैं जिहदे करके देश नूं द्वारा तो सुरक्षित रखण दे लई तालाबंदी करनी जरूरी है। तो उस बाद उन्होंने बुधवार दोपहर 12 बजे तो देश विच तालाबंदी अलर्ट पद्धर 2 की तालाबंदी है जिहड़ी वह की है। तो इस टाइम जे आपां दूजे पासे गल करिए ऑकलैंड की तो ऑकलैंड नूं सारे देश नालों वख रख्या गया क्योंकि जिहड़े नवें केस पाए गए हैं वह ऑकलैंड दे विच पाए गए हैं। ऑकलैंड का एक परिवार है तो उहदे 4 मैंबर आ जिहड़े वह करोना पीड़ित पाए गए हैं तो भावें कि उन्हां दी पुष्टि नहीं हले की गई कि वह किस वर्ग नाल आ किस भाईचारे नाल आ इस संबंधी कुछ भी नहीं दस्सिया गया पर उन्हां विच करोना किस तरह करोना पॉजिटिव किस तरह पाए गए हैं इहदे बारे भी अजे तक सरकार आ जिहड़ी जांच पड़ताल कर रही है कुछ भी पता नहीं लग सकिया क्योंकि उन्होंने जी बैक हिस्टरी है वह ना तो किसी विदेश तो आए हैं तो ना ही इतने किसी विदेश तो आए व्यक्ति जो जो करोना पॉजिटिव हो मिले हैं तो सरकार इस लेके काफ़ी चिंतित भी है तो यदि जांच पड़ताल भी की जा रही है कि जिते एक बार न्यूजीलैंड करोना मुक्त हो गया से उतो बाद एक परिवार के 4 मैंबर वो करोना पॉजिटिव किदा आए तो हूँ जो इस टाइम मैं देश के हालातों की गल करा तो इस टाइम न्यूजीलैंड तालाबंदी का दौर दुबारा तो शुरू हो चुका है तो पूरा न्यूज न्यूजीलैंड जिहड़ा अलर्ट पद्धर 2 दे तालाबंदी विच है ते कल्ले ऑकलैंड दे विच इस टाइम जिहड़ी अलर्ट पद्धर 3 दी तालाबंदी है वह की गई है जिदे विच स्कूल कॉलेज रेस्टोरेंट वगैरह सारे है जिहड़े वह बंद कर दिते गए जिम वगैरह बंद कर दिते गए हैं। देश की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जिवें पहला जदों न्यूजीलैंड विच करोना आया सी तां देश नूं अलर्ट लैवल 3 और 4 ते कीता गया सी उस टाइम दौरान जो भी हदायतां दित्तियां गईयां सी उन्हां हदायतां नूं अलर्ट पद्धर जे 2 है तां देश विच तां 2 दियां ते जिथे अलर्ट पद्धर 3 है तां उत्थे 3 दियां सेम हदायतां जिहड़ियां उन्हां नूं जारी रखा जाए उन्हां नूं फुलफिल लागू किया जाए। दूजे पासे देश विच पार्लीमेंटी चोणां जिहड़ियां उह वी सिर ते ने क्योंकि 19 सितंबर नूं देश विच पार्लीमेंट दीआं चोणां दी तरीक आ जिहड़ी उह सीगी पर इस टाइम करोना आण करके ते उन्हां तरीकां नूं अगे करन दी मंग आ जिहड़ी उह वी देश विच उठणी शुरू हो गई है क्योंकि नैशनल पार्टी दी लीडर है जोठी वल्लों इह मंग उठाई गई है कि देश विच जो इस टाइम तालाबंदी दा दौर दुआरा तो शुरू होया उस तों बाद हुण पार्लीमेंटी चोणां जिहड़ियां बिल्कुल ते उन्होंने मुख रखते हुए कोई भी पार्टी जी अपना प्रचार नहीं कर सकती तालाबंदी होने करके वड्डे समागम आ जिहड़े नहीं किए जा सकते तो उस करके उन्हें यह भी मांग की है कि देश में जिहड़ियां पार्लीमेंट दीआं चोणां वह अगे कीतियां जाण ते वह नवंबर या अगले साल तक करन दी उन्होंने मंग की है जिहदे संबंधी देश की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन वल्लों हाले तक कोई भी अपनी प्रतिक्रिया इहदे ते नहीं दित्ती गई। तो दूजे पासे ये शंका जाहिर किया जा रहा कि जेकर हालात देश में होर बिगड़ते
ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈਵਲ 3 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਪੱਧਰ 3 ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ 4 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 13 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।